शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग की इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग की सूचना लगते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की घटना से गोदाम स्वामी को भारी नुकसान हुआ है। कबाड़ के गोदाम में आग कैसे लगी, इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अगवानपुर के रहने वाले जमीर अहमद पुत्र अमीर अहमद का सिविल लाइन थाना क्षेत्र नया गांव में गत्ते का कबाड़ का गोदाम है। जमीर अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि वो घर पर थे और इस दौरान क्षेत्र के लोगों द्वारा सूचना दी गई। उनके गोदाम में आग लग गई। आग की सूचना लगते ही मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कबाड़ के गोदाम में लगी आग से काफी हाहाकार मच गया और स्वामी को काफी नुकसान हुआ। आग लगने का कारण क्या है, पुलिस जाँच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि चिंगारी से कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। कहीं लग गए, हम तो घर थे, हमें क्या पता कैसे लग गई। हमें बुलाया लोगों ने। किस चीज का गोदाम है आपका? गत्ता का। किस जगह पर है ये गोदाम? ये सिद्ध के पीछे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई। नया गांव। ये फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है। ये नया गांव में कबाड़ का गोदाम है, कांट रोड में। तो इसमें अभी आग लग गई थी, क्योंकि हमारे द्वारा फायर सीजन को दस्त कर रखते हुए गाड़ियां शहर में विभिन्न जगहों पे इंस्टॉल की हुई है। तो लाइन ऑर्डर के साथ साथ अग्निशमन कार्य भी वो देखती हैं। तो गाड़ी यहाँ मौके पे थी, हर सलामी खड़ी थी, तो बहुत जल्दी आके इसको आग को आगे फैलने से रोका गया है। और इनका कबाड़ का बहुत सारा गोदाम जो है बचा लिया गया है। थोड़ा सा गत्ते के ढेर में लगी हुई है, तो उसको अग्निशमन कार्य चल रहा है, कोई जनहानि नहीं हुई है। इससे पहले भी ज्ञात हुआ इनके यहाँ लगी थी, लेकिन इन्होंने पहले हमें को बुलाया नहीं था।